मैं नितिन आज आपके लिए कुछ छोटी सा प्रयास छोटा सा प्रयास लेकर आया हूँ, ठीक है। और आपसे आज कुछ बात भी करनी है मुझको। आज कुछ काफ़ी बच्चों के प्यार की वजह से और मेरे एक अपने भैया जी की वजह से मैं आज YouTube पे एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये मेरा प्रयास कामयाब हो। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आपको इतनी चीज़ें आती हैं तो आप जा जा के ग्रामीणों में पढ़ाते हो, तो आप ऐसा क्यों ना करो, क्योंकि आज सबके पास मोबाइल हो चुका है, सारे YouTube चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे चैनल है ही, तो आप घर से ही क्यों ना पढ़ाओ। पर मेरे पास टाइम नहीं रहता है, वक्त की कमी है, तो इसलिए नहीं कर पाता था। मगर मैं जैसा अभी हूँ, क्योंकि कल एक दो बच्चों का काफ़ी फ़ोन आया, सारे बच्चे पास हो गए थे, मैंने 26 बच्चे सी टेट के पढ़ाए थे, आर टेट के दो अलग बच्चे पढ़ाए थे, वो भी पास हो गए। तो मैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और उन निर्धन छात्रों के लिए ये एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, जो कहीं से कोर्स नहीं खरीद सकते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कुछ नोट्स लेने के लिए या कुछ बुक्स लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है। मैं आज अगर ये मेरा प्रयास कंप्लीट रहा तो वो बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे जिनके पास सुख सुविधाएं और साधन नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है कि आप एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं और अपने गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करा सकता हूँ। मैं टीचर का एक तरह से पूरी तैयारी, फुल तैयारी करा सकता हूँ, एक एक लेवल से कहना, मतलब बीएड बीटीसी से लेके उसे गवर्नमेंट जॉब तक का एक पूरा प्रोसेस है। आपने देखा ही होगा, मैं अभी केवल एक बात छोटी सी कर रहा हूँ, हमारे नियम रोज चेंज होते रहते हैं, कभी बीएड कभी बीटीसी को एलिजिबल कर देते हैं पीआरटी में, कभी जूनियर में कर देते हैं, कहना मतलब इन चीजों से भ्रमित ना हो, ठीक है ना। अब देखो सीटेट ने भी बीटीसी वालों को प्राइमरी में भी एलिजिबल कर दिया, सेकेंडरी में भी कर दिया, और रिक्रूटमेंट में अलग चीज होती है। तो हमें कोई सही नॉलेज नहीं बताता, हमें सही चीजें कोई नहीं बताता, मुझे भी किसी ने नहीं बताई थी, मैंने खुद जा जाके बोर्डों में जा जाके खुद गेन की है। तो वो चीज आप स्ट्रगल ना करो, उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास, बहुत लोगों के कहने पर इन काफी बच्चों ने कहा, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा सकता, अब वो पास हुए वो चाहते हैं कि और बच्चे पास हो, तो उन्होंने कहा प्लीज भैया हम बता रहे हैं आप स्टार्ट करो, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, बच्चे काफी खुश होंगे। तो ये चीज मैं इसके लिए कर रहा हूँ आपके लिए, कि अगर अगर मेरे कुछ वीडियो से आपका फायदा हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं। तो अब मैं बताता हूँ कि है क्या चीज। अब मैं सबसे पहले छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए, ये अभी कहीं भी किसी ने भी नहीं बताया, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 2020 साल उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जिनकी बीटीसी बीएड कंप्लीट हो चुकी है, देन सीटेट कंप्लीट हो चुका है या टेट किसी स्टेट का पास हो चुका है। मैं आपको एक क्रम से बताता हूँ, मैं यूपी से स्टार्ट करता हूँ। यूपी में सबसे पहले रिक्रूटमेंट आने वाली है 70,000, फिर जो पहले की कोर्ट केस में पड़ी हुई है वो 70,000 इस फरवरी मार्च तक क्लियर हो जाएगी, देन अब नई जो सेशन होगा वहां सबको ज्वाइनिंग मिल जानी है, ठीक है। जैसे वीओ के फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है ना, 300 के समथिंग, और उसके बाद तुरंत ही ये 30,000 वैकेंसी जूनियर की ला रहे हैं। तो यूपी में आपको पता है ना, यूपी टेट भी इजी वाला है, अगर आप यूपी टेट भी पास है तो वो भी चलेगा, और सी टेट पास है तो वो भी चलेगा, एक चीज हमारे पास होनी चाहिए। फिर उन्होंने अब की बार सुनने में जो आ रहा है, जो ज्ञात सूत्रों से पता चला है, कि वो मेरिट्स की बेस से लेंगे, कि आपकी 10th 12th बीएससी बीएड देन टेट देन रिक्रूटमेंट की, तो उस पे बात ना जाके हम लोग फोकस करते हैं, जो सीटेट पास हो गए या टेट पास हो गए वो रिक्रूटमेंट पे पूरा फोकस करें, ठीक है ना, उसकी मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा जिससे कि आप आसानी से पास हो सके। देन सीटेट तो टेट तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, बस यही कह सकता हूँ कि अगर मेरी गाइडलाइन पे चले कि आया मैंने जो पढ़ा है आपको, तो सीटेट यूपीटेट किसी भी स्टेट का यूपीटेट आपका आसानी से क्लियर हो सकता है, वही गिनी चुनी चीजें वही आती हैं, कहना मतलब मैंने ना आपको प्रीवियस पेपर, मैंने आपका कॉग्निटिव विकास करना है, संज्ञानात्मक तो विकास करना है, मैंने आपको पेपर नहीं कराते हैं, पेपर तो सभी कराते हैं ना, मगर क्लियर तो गिने चुने बच्चों का है। मैं जो अपने ऊपर विश्वास है, अगर मैंने बच्चे को जो पढ़ाया और बच्चे ने थोड़ा भी पढ़ लिया है तो उसका टेट तो सी टेट तो 100% 100 से ऊपर हो गई, उसके बाद उसको रिक्रूटमेंट में भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जाना पड़ता है उधर उधर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबसे पहले सी टेट या किसी की यूपी टेट में हम लैंग्वेज की बात करते हैं, मैं आपको क्या क्या पढ़ा सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके नंबर 25+ एवं आएंगे, ज्यादा तो मैं फेंकूंगा नहीं कि 28 29 आ जाए,
क्योंकि ये जेनुइन ही चीज लोगों के आते हैं, जैसे कि मेरे आए हुए थे काफी चीजों में, ठीक है, उसके लिए थोड़ा, मगर मेरे इतना पढ़ाऊंगा कि 20++ आ जाया करेंगे सब में। अब बात करता हूँ कि सी टेट में, क्योंकि वही चीज हमें टेट, अगर सी टेट का तो सिलेबस बिल्कुल अलग है, रिक्रूटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करता है, पेडागॉजी का है, हम सी टेट से बात करते हैं। मगर इसके दो फायदे, अगर हम सी टेट क्लियर कर लेते हैं तो स्टेट में भी इलिजिबल है, देन सेंटर में भी, केवीएस एनवीएस और देन यूटी में आते हैं, ठीक है ना। अब हमने पहले सी टेट की बात करते हैं, तो सी टेट में क्या होगा कि मैंने बस कुछ ही फैक्ट बताने हैं आपको, तथ्य बताने हैं, उन तथ्यों को लेकर आप आसानी से सी टेट को 100+ कर सकते हैं। 100+ ये तो विश्वास है कि 100+ तो करोगे ही करोगे, वो तो आपके ऊपर के नंबर है, बोनस है, 110 125 इतना तो कंफर्म ही है। लोग पास नहीं होते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मैंने देखा है चैनलों पर, तो जबकि बच्चे मुझसे कॉल करते हैं कि सर आप भैया मुझे इस तरह से गाइड कर दो, इस तरह से गाइड कर दो, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा प्रयास आपके लिए करना चाह रहा हूँ, अब देखते हैं जो चेंजिंग है। अब मैंने आपको पढ़ाना क्या क्या है, देखो मैंने पढ़ाना तो सारी चीज है, आपको पता है मैंने काफी यूट्यूब चैनलों पर देखा, एनालाइज किया डाटा, कि जो सीडीपी है जूनियर की, प्राइमरी की तो बात, प्राइमरी तो मैं आपका ऐसे ही पास करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सीटेट प्राइमरी कब पास हो गया। जूनियर की बात करते हैं हम, जो काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट है, साइंस और मैथ, साइंस की सीडीपी नहीं कोई पढ़ा रहा है सी टेट की, वो कोई नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर करा देते हैं, देन वही क्वेश्चन है, मगर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि तीन पोर्शन है। मैंने इसके भी एक फंडा बना रखा है पास होने का, दोनों तरीके से मैं पास करवा सकता हूँ, मेहनत से भी, देन हम अगर दो पोर्शन में भी नहीं मेहनत कर पा रहे हैं तो तीन मेहनत से, मैं तीन में ही आपके 28 28 28 नंबर दिलवा दूंगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो वो आसानी से पास, ये यूपी टेट सी टेट आसानी से हम पास कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा ये बात चलती है, वैसे तो सीडीपी ईवीएस साइंस ये तो सारा पढ़ाऊंगा ही, लैंग्वेज में भी आपको एक प्लेटफॉर्म पे ही आपको सारी चीज मिलेगी। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर मेरे ग्रामीण भाइयों को मुझसे, मेरे अगर वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलेगी, अगर वो पास होंगे, वीडियो तो काफी है ना, मगर पास होंगे तब मुझे ज्यादा से ज्यादा खुशी मिलेगी। अब मैं आपको देखो हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी में आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, कहना मतलब आपको पता ही नहीं, आप 15 मिनट में हिंदी का पेपर सीडी पे, यूपी टेट या किसी भी टेट का, तेलंगाना टेट या किसी भी टेट का, हर जगह चीज आती है लैंग्वेज, वो आसानी से आप कर लेंगे, बिहार टेट का, सी टेट का, ठीक है ना, या रिक्रूटमेंट की सी टेट, केवीएस यानी केवीएस की हिंदी वगैरह, वो आसानी से। उसके बाद बात आती है हमारी किसकी, संस्कृत की, इंग्लिश की, पंजाबी सीडी, पंजाबी उर्दू भी, यहाँ तक कि मैं आपको इन पांचों लैंग्वेज को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि यानी मैं आपको बिल्कुल सटीक दूंगा, आप आंसर आसानी से जज कर सको। देखो यूपी टेट का हमारा पेपर है ये, जो अभी तक डेट नहीं आई है ना, ठीक है ना, तो अब उस पर काफी लोग आ रहे हैं कि अगर अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, सर्दी भी चल रही है तो मैं पढ़ा नहीं सकता, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना दूँ और बनाऊंगा अभी ज्यादा से ज्यादा आपके लिए 5 तारीख के बाद, कि आपको फायदा हो, अभी नहीं बना सकता हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है मैं बता दूं, बच्चे अगर आपका सी टेट या यूपी टेट पास हो जाता है, प्लीज खुश ना हो, ये आपको संतुष्ट नहीं होने देना है, इससे संतुष्ट नहीं होना है, आप जब तक आप गवर्नमेंट जॉब ना लेने तब तक, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं है, अगर आप जो बच्चा कोर्स नहीं ले पा रहा है, जो जिसे समझ में नहीं आता है, अब नितिन आपके साथ है, नितिन आपके लिए वीडियो बनाएगा और उस बेस से बनाएगा कि आपको पूरी हेल्प मिल सके, ठीक है ना, वो आपको पता चल जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि देखो बिहार में भी भर्ती आ